हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ सॉफ्ट सॉफ्ट दही बड़ा, तो इसे दही भल्ला भी कहते हैं। तो इसे देखकर तो सबके मुंह में पानी आ गया होगा। तो आज मैं वड़े को बिल्कुल सॉफ्ट कैसे बनाते हैं वो आपको टिप्स दूंगी। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दही भल्ला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप उड़द दाल को 4 से 5 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। तो इसे हम 2 से 3 बार अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे और ये एक्स्ट्रा पानी हमें निकाल लेना है। तो उड़द दाल एकदम ड्राई हो चुकी है, तब हमें इसे मिक्सी जार में डालना है और इसकी हमें पेस्ट बनानी है। तो उड़द दाल की हमें फाइन पेस्ट बनानी है, तो इसे हम थोड़ा सा थिक रखेंगे। ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करके इस तरह से गाढ़ी पेस्ट बनानी है। अब इस पेस्ट को हमें डालना है एक बाउल में, तब हम इसे फेटेंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि ये मिक्सचर एकदम फ्लफी और लाइट हो जाए। इसी वजह से हमारे दही भल्ले एकदम सॉफ्ट बनेंगे। इसे अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए फेट लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी फेंट सकते हैं। अब इसे चेक करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक थोड़ा सा पानी, इसमें हम एक ड्रॉप डालेंगे। तो ये पानी में अच्छे से फ्लो कर रहा है, तो हमारा मिक्सचर एकदम रेडी है। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आप स्किप करेंगे तो भी दही भल्ले सॉफ्ट ही बनेंगे। साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। तो इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो अब तुरंत हम फ्राई करेंगे वड़े। तो यहाँ पर ऑयल को गर्म कर लिया था, अब इसे मीडियम फ्लेम कर देंगे। आप चाहे तो इसे हाथों से भी डाल सकते हैं या फिर इस तरह से चम्मच से। सारे वड़े को अच्छे से ब्राउन कलर आ जाने तक फ्राई करेंगे। देख सकते एकदम अच्छे से फूल चुके हैं, तो इसे टर्न कर देंगे। अच्छे से हम बैटर को फेटेंगे तो एकदम सॉफ्ट और फूले फूले दही बड़े रेडी होंगे। तो इसे निकाल लेते हैं बाउल में। तो इस तरह से दूसरा बैच भी रेडी करेंगे। तो ये हमारा गोल मटोल वड़ा रेडी है। तो इसे तोड़ के देखते हैं कितना सॉफ्ट है। तो वड़े बन चुके हैं, अब बनाते हैं मीठी दही। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही ली है। तो इसे हमें अच्छे से फेटना है। तो इससे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच शुगर और इसे हम अच्छे से फेट लेंगे। आप चाहे तो इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, मैं नमक को ऊपर से ऐड करूँगी और ज़रूरत के हिसाब से पानी भी ऐड कर सकते हैं। तुम्हारी मीठी दही रेडी है। तब मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी लिया है नमक वाला। इसमें हम वड़े डालेंगे। तो इसे हमें भिगो के रख देना है ताकि अच्छे से वड़े सॉफ्ट हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद वड़े एकदम सॉफ्ट बन जाएंगे। तब यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, तो वड़े को हम सर्व करेंगे। तो एक्स्ट्रा पानी जो है निकाल लेना है। तो इसके ऊपर हमने जो दही रेडी की है वो डाल देते हैं। अब ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे रेड चिली पाउडर, साथ में भुने हुए जीरे का पाउडर भी स्प्रिंकल करेंगे। साथ में ऊपर से हम डालेंगे थोड़े से अनार के दाने। तब इसे धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे। आप चाहे तो इसमें इमली की चटनी, तीखी चटनी भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा नमक भी स्प्रिंकल कर देंगे। तो ये हमारा रेडी है दही भल्ला, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। बिना चटनी के भी दही वड़ा उतना ही अच्छा लगता है।
तो आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो इसे तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट दही वड़ा बना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।